अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें जो है वो मैं CS 301 जो हमारी डाटा स्ट्रक्चर की बुक है उसकी असाइनमेंट नंबर जो 3 है उसका सोल्यूशन जो है वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन रेड कलर में शो हो रहा है तो प्लीज़ उस बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और उसके बाद जो बेल आइकॉन आपको शो होगी उस पर लाजमी क्लिक कर देना, ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके और जो है वो आप लोग कोई वीडियो जो है वो मिस ना कर सकें। तो चले आए जो है वो सबसे पहले जो है वो हमारी जो CS 301 की असाइनमेंट नंबर 3 है। जैसा कि मैं अपनी असाइनमेंट के हर वीडियो में बोलता हूँ कि उसमें जो है वो इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी दी गई होती हैं प्लीज़ जो है वो मस्ट रीड कर लिया करें। इससे जो है वो आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपने किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है और असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या है और एट्सेट्रा, काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा करते हैं कि विदाउट इंस्ट्रक्शन पढ़े जो है वो, ऐसा काफ़ी जो है वो हो चुका है। और मुझे स्टूडेंट्स के काफ़ी के मैसेजेस भी आए थे कि सर हमें जो है वो हमारी असाइनमेंट जो बिल्कुल ठीक थी लेकिन हमें जो है वो मार्क्स नहीं मिले। तो मैंने जब उनकी जो है वो फाइल चेक की तो उन्होंने किसी और फॉर्मेट में जो है वो सबमिट करवाई थी। तो इसलिए जो है वो आप लोग असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन जो हैं वो मस्ट रीड किया करें। तो चले जो है वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में उन्होंने यही बताया गया है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो ड्यू डेट से पहले जो है वो सबमिट होनी चाहिए, और उसके बाद जो है अगर आप अपनी असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद सबमिट करेंगे तो आपको जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप जो है वो असाइनमेंट अपनी फाइल जो है वो MS वर्ड के अलावा किसी और फॉर्मेट में जो है वो सबमिट करते हैं तो तब भी जो है वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये बताया गया है कि आपकी जो फाइल है वो करप्टेड नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि जब आप अपनी सॉल्यूशन फाइल जो है वो LMS में सबमिट करेंगे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा उसे डाउनलोड करके जो है वो चेक कर लेना, क्योंकि अगर तो वो फाइल आपकी इधर ओपन हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उधर भी ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी फ़ाइल जो है वो करप्टेड है इंटरनेट के इशू की वजह से जो है वो आपकी फ़ाइल कम्प्लीटली जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में जो है वो सबमिट नहीं होती, तो इसलिए होता है कि जब वो इंस्ट्रक्टर जो हमारे होते हैं चेक करने वाले जब वो असाइनमेंट ओपन करते हैं तो वो जो है वो उनके पास फाइल ओपन ही होती है, तो उसके लिए जो है वो 0 मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने जो अपनी असाइनमेंट है वो इंटरनेट या किसी अपने स्टूडेंट की कॉपी करके जो है वो सबमिट नहीं करवानी, तो मैं आप सब स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी असाइनमेंट जो है वो खुद बनाएँ। इसका जो है बेनिफिट आपको होगा कि आपको एक तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और दूसरा ये है कि आपको 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है, ऑब्जेक्टिव इस असाइनमेंट का ये है कि आपको जो है वो हफमैन इनकोडिंग टेक्निक का जो है उससे फेमिलियर करवाया जाए, और इसके अलावा जो है वो फ्रिक्वेंसी टेबल जो है उसका जो है वो आपको जो है वो इससे फेमिलियर करवाया जाए कि ये क्या चीज़ है। तो चलें जो है वो अब जैसा कि हमने अपनी जो है वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो दी गई थी वो हमने सब पढ़ ली हैं, तो अब जो है वो हम असाइनमेंट स्टेटमेंट जो दी गई है हमें प्रॉब्लम वो जो है वो पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने बेसिकली इस असाइनमेंट में जो क्वेश्चन वही है कि हफमैन इनकोडिंग इज़ अ टेक्निक डिवेल्प्ड एंड यूज फॉर डाटा कंप्रेशन, इट इज़ वाइडली यूज एल्गोरिथम फॉर JPEG इमेज, यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई हफमैन इनकोडिंग ऑन द गिवन स्ट्रिंग। तो उन्होंने ये जो है वो हमें स्ट्रिंग दी गई है तो इस पर जो है वो हमने हफमैन इनकोडिंग का जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई करना है। तो इसमें जो है बेसिकली उन्होंने 2 टास्क दिए गए हैं असाइनमेंट में, तो ये जो है वो आपकी असाइनमेंट 20 मार्क्स की है, एक जो है वो पोर्शन जो है उसका उसके जो है वो 10 मार्क्स हैं और नेक्स्ट के भी जो है वो 10 मार्क्स हैं। तो इसमें जो है बेसिकली फर्स्ट जो पोर्शन है हमारा जो उन्होंने दिया गया है उसमें जो बेसिकली उन्होंने पूछा है हमें जो है वो काम करने के लिए ये बताया गया है कि हमने जो है वो एक फ्रीक्वेंसी टेबल कंटेनिंग करेक्टर्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एज फॉलोइंग फॉर्मेट। तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, तो हमने जो है वो ये हमें जो है वो स्ट्रिंग दी गई है, इससे हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बनाना है। तो उसके साथ जो है वो हमने उनकी बकायदा जो है वो फ्रीक्वेंसीज भी लिखनी है। तो ऐसे जो है वो हम लोग अपना
जो है वो टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। और ये जो था वो हमारा फर्स्ट पोर्शन था असाइनमेंट का। इसके अलावा सेकंड में जो उन्होंने बताया गया है, उन्होंने ये कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट हफमैन एन्कोडिंग ट्री अकॉर्डिंग टू द करेक्टर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी टेबल डैट यू बिल्ड इन अर्लियर स्टेप, शो फाइनल हफमैन ट्री ओनली एंड डोंट शो इमीडिएट स्टेप्स इंटरमीडिएट स्टेप्स। तो इसमें जो है बेसिकली उन्होंने यही बताया गया है कि ऊपर जो है हमने जो है वो करेक्टर्स लिखने हैं और उसके साथ जो है वो हमने फ्रीक्वेंसी जो लिखनी है इसके ज़रिए जो है इसके बाद जो है वो हमने एक जो है वो ट्री बनाना है, वो हफमैन एन्कोडिंग ट्री उसे हम कहते हैं। तो इसका जो है वो हम जो फाइनल ट्री जो हम बनाएंगे जो इस वीडियो के लास्ट में जो है वो आप सब उसको बताऊँगा कि आपने कैसे बनाना है, तो वो जो ट्री है वो आपने सबमिट करना है। सबसे पहले तो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करना है, उसके बाद जो सेकेंड पोर्शन है इसका असाइनमेंट का उसमें जो है वो आप सब स्टूडेंट्स अपना जो है वो हफमैन कोडिंग ट्री जो है वो क्रिएट करेंगे। तो चले हैं जो है वो सॉल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं। अब जो है वो इस असाइनमेंट में जो है वो उन्होंने हमें स्ट्रिंग दी गई है, तो इस स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो हमने अपने जो है वो अपना क्या कहते हैं उसे फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो हमने क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताता जाऊँ कि इसका जो है वो मेथड ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप सब स्टूडेंट्स ने जो हमें स्ट्रिंग दी गई है इसके जो है वो करेक्टर्स काउंट करने हैं। तो चले हैं जो है हम इसके करेक्टर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने जो है वो इसमें स्पेसेस भी वो भी काउंट करनी है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ये जो है वो हमारी स्ट्रिंग जो है वो 31 इसका जो है वो साइज़ है, और ये कह रहे हैं कि इसमें जो करेक्टर्स हैं वो 31 है। और इसका जो बेसिकली मेथड यही है कि आपने जो है वो जितने भी करेक्टर्स हैं वो काउंट करने हैं, इसके बाद जो है जितनी स्पेसेस हैं वो भी ऐड करनी है इसमें। और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्पेसेस 3 स्पेसेस हैं और बाकी जो है वो 28 जो है वो इसमें करेक्टर्स हैं, तो आप लोग जो है वो काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एक चीज़ हमने और ऐड करनी है, वो जो है वो हमने न्यू लाइन जो वो न्यू लाइन एक चीज़ है वो हमने उसका एक करेक्टर जो है इसमें ऐड करना है। तो हमारे जो टोटल करेक्टर्स इसमें जो है हमने काउंट किए हैं वो 28 थे, 3 स्पेसेस हमने काउंट किए हैं ये बन गए थे 31, और एक न्यू लाइन का जो है वो करेक्टर हम इसमें ऐड करेंगे, और टोटल जो है वो हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका साइज़ जो होगा वो 32 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इसमें जो है वो स्पेस एंड न्यू लाइन जो है वो भी ऐड है। तो ये जो है वो आपने सबसे पहला जो स्टेप है आपने ये करना है कि आपने जो है वो अपने करेक्टर जो है वो काउंट करने हैं। तो ये जो था वो हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद जो है टेबल हमने ऐसे क्रिएट करना है कि हम जो है वो ने यहाँ से जो है वो टेबल ड्रा करना है। आप लोग जो है वो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो है इंसर्ट टेबल का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये सामने जो है वो शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे ऐसे करना है कि इसकी जो रोज हैं रो हैं वो 4 बनानी है, नहीं सॉरी कॉलम कॉलम 4 होंगे आपके, और जो रो है वो आई थिंक 9 या 10 होंगे आपकी। ये आपने जो है वो अपने हिसाब से जो है वो क्रिएट कर लेना है जैसे मैंने किया है। तो यहाँ से जो है वो अपना अपना टेबल जो है इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं टेबल में ऐड करने जा रहा हूँ वो एनएल है, एनएल मीन के न्यू लाइन करेक्टर जो है वो हमने जो है वो ऐड किया था। तो हफमैन इन जो है वो इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का जो मेथड है उसमें ये ज़रूरी है कि आपने जो है वो एनएल जो है वो न्यू लाइन करेक्टर जो है वो ऐड करना है। तो सबसे पहले जो है उसका मैंने आपको बताया था कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है, इसका एक करेक्टर जो है हमने ऐड करना है। और आगे जो है वो आप देख रहे होंगे कि एस पी जो है वो आप सब सोचेंगे कि ये क्या है, तो ये जो है वो स्पेस का है। तो स्पेसेस हमने कितनी ऐड की थी, एक लीडर्स के आगे था, एक इन के आगे और एक एजुकेशन के आगे जो थी वो ये 3 स्पेसेस थी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने 3 रख दी है। अब हमने जो है वो यहाँ पे जो है वो सारे टोटली करेक्टर्स जो है वो देखने हैं। सबसे पहले जो है वो ए यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि ए कितनी दफ़ा जो है वो इस स्ट्रिंग में आया है। तो एक ए जो है वो यहाँ पे लीडर में है और दूसरा ए जो है वो हमारा एजुकेशन में है सी के बाद, तो हमने जो इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड की है वो 2 है। इसके बाद जो है वो हमने बी यहाँ पे ढूंढना है, लेकिन बी यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग में ऐड नहीं है, तो इसके बाद जो है वो सी
सी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे जो हमारा सी जो अवेलेबल है वो हमारा एजुकेशन में है सी, और इसके बाद जो है वो हमने चेक करना है ये टेक्नोलॉजी में भी एक सी है, तो ऐसे जो है वो हमारे पास दो सी आ गए हैं, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 ऐड कर देनी है। इसके बाद जो है हमने डी फाइंड करना है, डी जो है वो हमारा लीडर में है एक डी, और दूसरा डी जो है वो एजुकेशन में है हमारा ए के बाद, तो इसके बाद टेक्नोलॉजी में कोई डी नहीं है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो हम वो 2 ऐड करेंगे, और ये जो है वो हमने डी की फ्रीक्वेंसी भी 2 ऐड कर दिया है। अब हम जो है ई जो है वो है जो है वो हम अपनी स्ट्रिंग में फाइंड करेंगे, तो ऐसे जो है वो आप सबसे ने देखना है कि ई कितनी दफ़ा आया है, एक ई यहाँ पे है और दूसरा ई यहाँ पे है, 2 हो गए और 3 3, और यहाँ पे जो है वो जो फोर्थ नंबर पे ई जो है वो हमारा टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, तो जितने ई होंगे हमारी उतनी जो है वो हम फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो हमने 4 ऐड कर दिया क्योंकि जो 4 ई जो थे वो हमारी स्ट्रिंग में अवेलेबल थे। ई के बाद एफ है, एफ हमारी स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको स्किप करके जो है वो जी जी लिख देंगे, जी जो है वो हम हमें अभी इधर फाइंड करना है कि कितनी दफ़ा है, लीडर्स में भी नहीं है, इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो एक दफ़ा जी जो है वो अवेलेबल है, तो हम जो है वो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 ऐड करेंगे। इसके बाद जो है वो हमने एच फाइंड करना है, एच जो है वो भी एक दफ़ा है टेक्नोलॉजी में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम 1 ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है वाई है, वाई हमने फाइंड करना है, वाई आई थिंक यहाँ पे जो है वो मैंने सबसे लास्ट में ऐड करना था, तो यहाँ पे जो है वो मैंने ऐड कर दिया, इसका कोई इशू नहीं होगा। तो उसके बाद एच के बाद जो है वो आई, आई जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर पे जो आई हमारा जो अवेलेबल है वो इन इन में है, और सेकंड नंबर पे एजुकेशन में जो है वो 2 आई जो ऐसे अवेलेबल हैं, तो हमने जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 2 ऐड कर दी है। इसके बाद जो है वो के इसमें अवेलेबल नहीं है, हम फिर जो है वो एल फाइंड करेंगे, एल जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर पे जो है वो लीडर्स में अवेलेबल है फर्स्ट नंबर पे, और उसके बाद जो है वो टेक्नोलॉजी में एक एल अवेलेबल है, तो ऐसे जो है वो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 ऐड कर देनी है। इसके बाद एम है, एम इसमें अवेलेबल नहीं है, इसके बाद जो है वो हम एन सर्च करेंगे, तो एन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे पहले जो है वो एजुकेशन में है, एजुकेशन के जो है वो लास्ट में एक एन अवेलेबल है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में जो है वो हमारे पास 2 एन जो है वो नहीं, आई थिंक सॉरी, हाँ एक एन जो है वो अवेलेबल है इनमें, और दूसरा एन जो है वो हमारे पास एजुकेशन में है, और थर्ड नंबर पे जो एन है वो हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी में है, तो आपने जो है वो ये अच्छे तरीके से जो है फाइंड करनी है, और एन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हमने रख दी है क्योंकि 3 एन जो है वो हमारी स्ट्रिंग में अवेलेबल थे। उसके बाद जो है वो ओ हमने फाइंड करना है क्योंकि ओ इसमें अवेलेबल है, तो अब जो है वो हम इसमें ओ फाइंड करेंगे कि ओ कितनी दफ़ा है, फर्स्ट नंबर पे जो ओ है वो हमारा एजुकेशन में एक अवेलेबल है, और टेक्नोलॉजी में जो है वो 2 ओ जो है वो अवेलेबल हैं, एक एन के बाद है और दूसरा जो है वो एल के बाद है, तो ऐसे जो है हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है वो हम आर फाइंड करेंगे, आर जो है वो हमारा एक रीडर में अवेलेबल है, उसके बाद एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में भी कोई आर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम 1 ऐड करेंगे। इसके बाद जो है वो हम एस फाइंड करेंगे, एस जो है वो हमारा सिर्फ लीडर्स में जो है वो अवेलेबल है, तो इसलिए इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम 1 ऐड करेंगे। इसके बाद जो है वो हमने टी फाइंड करना है, टी जो है वो हमने सबसे पहले जो हमारा अवेलेबल है वो एजुकेशन में है, और इसके बाद टेक्नोलॉजी के शुरू में जो है वो हमें 2 टी जो है वो अवेलेबल हैं, और ऐसे जो है वो हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है वो यू है, यू जो है वो हमारा यहाँ पे जो है एजुकेशन में एक यू अवेलेबल है, और कहीं पे भी जो है वो यू अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। इसके बाद लास्ट में जो है वो मैंने वाई, वाई जो है वो हमारे पास एक अवेलेबल है, जो कि हमारी स्ट्रिंग के सबसे लास्ट में जो है वो वाई अवेलेबल है, तो ऐसे ही जो है वो आपने इसकी जो है वो इस फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 ऐड कर देनी है। तो ये जो था वो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर था, तो ऐसे जो है वो आप लोगों ने अपना जो है वो टेबल क्रिएट करना है, तो आई होप कि आपको इसका जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मज़ीद कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग जो है वो मेरी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो आप सब स्टूडेंट्स जो है वो पूछ सकते हैं कि कैसे जो है वो मैंने ये बनाया है, लेकिन मैंने जो है वो पूरी डिटेल्स में इसलिए आपको जो है वो गाइड किया है
कि आप लोगों को जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब जो है वो सेकंड नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन था, जैसा कि पहले भी मैंने असाइनमेंट फाइल में भी जो है वो रीड करके बता दिया है कि हमने जो है वो हफमैन एनकोडिंग ट्री जो है वो अकॉर्डिंग टू करेक्टर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, जो हमने ऊपर करेक्टर्स और फ्रीक्वेंसीज ऐड किए हैं उसके जो है वो अकॉर्डिंग हमने जो है वो हफमैन एनकोडिंग ट्री जो है वो अपने अपना बिल्ड करना है। तो हमने जो है वो इसमें बेसिकली हमने शो ये करवाना है कि जो हम फाइनल अपना हफमैन एनकोडिंग ट्री जो है वो क्रिएट करेंगे वो हमने सिर्फ शो करवाना है। हम जो है वो बेसिक जो एक एक करके जो स्टेप जैसा कि बुक में शो करवाया गया है वैसे जो है वो हमने शो नहीं करवाना। हमारा जो फाइनल ट्री बनेगा वो है जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो असाइनमेंट फाइल में जो है वो सोल्यूशन फाइल हम सबमिट करेंगे उसमें जो है वो अपने फाइनल अपना ट्री जो है वो ऐड करना है। तो चले हैं जो है वो जैसा कि मैंने ये इसका जो है वो सोल्यूशन बना लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप सब स्टूडेंट्स ने जो है वो सबसे पहले अपने जो है वो यहाँ पे करेक्टर्स जो है वो काउंट करने हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। जितने भी हमारे करेक्टर्स होंगे आपने उस हिसाब से जो है वो सबसे पहले अपना एमएस पेंट ओपन करना है और उसमें जो है वो आप सब स्टूडेंट्स ने जो है वो ऐसे ये जो सर्कल्स हैं वो तकरीबन इतनी इतनी शेप होगी तो वो काम चल जाएगा इससे। तो आपने जो है वो 17 अपने जो है वो सर्कल जो है वो ऐसे लाइन में एक जो है वो क्रिएट करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो आप सब स्टूडेंट्स ने जो है वैसे करना है। आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो मैं ऐसे एम एस पेंट में जो है वो ओपन करके एक दफ़ा जो है वो मैं बना के दिखा देता हूँ कि कैसे आपने जो है वो सर्कल क्रिएट करना है। सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो ओवल की आपको ऑप्शन शो हो रही होगी, तो आपने जो है वो यहाँ पे ऐसे जो है वो अपना ओवल क्रिएट करना है और उसका जो साइज़ है वो कम कर देना है। ये सेकंड नंबर पे जो है वो ये काफ़ी है। तो ऐसे जो है वो आपने अपना पहला सर्कल जो है वो क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपने बार बार क्रिएट नहीं करना है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से जो है वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन इसे सेलेक्ट कर लेना है और देन हम जो है वो इसे यहाँ से ऐसे जो है वो सिलेक्ट करेंगे और ये जैसा कि आप सबके सामने जो है वो शो हो रहा है ये सिलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ से जो है वो कंट्रोल सी इसे कॉपी करेंगे और देन कंट्रोल वी जो है वो प्रेस कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर पे पहला सर्कल जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हमने जो है वो अगेन कंट्रोल वी प्रेस करना है और हमारा जो एक और सर्कल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। हम अब अगेन जो है वो एक कंट्रोल वी और प्रेस करेंगे और ऐसे जो है वो आप सब स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने टोटल जो है वो 17 सर्कल्स जो हैं वो आपने छोटे छोटे क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारा ये था। तो ऐसे ही जो है आप सब स्टूडेंट्स ने अपना एम एस पेंट ओपन करके ऐसे अपने 17 जो है वो अपने ऐड कर लेने हैं। इसके बाद जो है वो हमारा सेकंड नंबर पे जो है वो हमने ये शो करवाना है। सेकंड नंबर पे जो है वो हम स्टेप ये करेंगे कि हमने जो है वो अपनी जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड करनी है। उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने जो है वो अपना जो टेबल क्रिएट किया है वहाँ पे जाना है और आपने जो है वो ऐसे लाइन बाय लाइन जैसे मैंने लिखा है और आपने सबसे पहले जो है वो जितनी भी जिनकी फ्रीक्वेंसीज 1 है उनको जो है वो लाइन बाय लाइन लिख लेना है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने NL लिखा था, उसके बाद GHRSUY। आपने जो है वो जो सर्कल जो है वो नीचे पहले जो है वो क्रिएट किया है आपने यहाँ पे जो है वो ऐसे ही मैं आपको पेंट में करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले आपको ये टेक्स्ट A का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने इसके सेंटर में जाना है और एक दफ़ा जो है वो अपना माउस से जो है वो बटन प्रेस करना है लेफ्ट। अब आपने यहाँ पे जो है वो ये कह लें कि वाई ऐड करना है तो वाई प्रेस कर देना है और यहाँ से एग्जिट कर देना। इसके बाद जो है फिर आप यहाँ पे जो है वो प्रेस करेंगे, आपने यू ऐड करना है, आपने उसके बाद जो है एस और इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे टी ऐड करना चाहते हैं टी प्रेस कर दें। इसके बाद अगेन जो है वो माउस से क्लिक करें इसमें तो और जो भी मतलब के कहने का ये है कि आपने जैसे जो है वो मैंने ये असाइनमेंट बनाई है तो आपने भी जो है वो ऐसे अपना जो है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहला जो आपने काम जो है वो करना ये है कि सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने ये अपने बॉक्सेस बनाने हैं। उसके बाद जो है वो आप सब स्टूडेंट्स ने जो है वो अपना सबसे पहले जिनकी फ्रीक्वेंसीज 1 होगी आपने वो ऐड कर लेनी है।
और उसके बाद जिनकी फ्रीक्वेंसीज 2 है वो आपने टेक्स्ट वो ऐड कर लेना है, और उसके बाद जो है वो 3 और 4th जितने भी जो हैं वो आपने सो वन सो फोर्थ जो है वो आपने लिख लेनी है। सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है अपनी YUSRH, और उसके बाद जो है आपने नीचे जो है वो इसके उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे जो है वो NL से लेके Y तक उसकी जो फ्रीक्वेंसीज थी जिनकी 1 थी वो मैंने उनको सबसे पहले लिख लिया है, उनके नीचे 111 लिख दिया है। उसके बाद जो है वो I से लेके जो है वो NL तक जो है उसकी फ्रीक्वेंसीज जो थी, सॉरी A से लेके T तक इसकी जो फ्रीक्वेंसीज थी वो जो 2 थी, तो इसलिए जो है वो मैंने इनके नीचे जो है वो 2 लिख दिया है। और इसके अलावा जो है वो NO और SP जो हमारा स्पेस का था उसका जो है वो हमने 3 फ्रीक्वेंसीज थी इन सब की जो है वो हमने उसको 3 इनके सब के नीचे लिख दिया, और E जो था वो हमारा 4 दफ़ा आया था उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी मैंने नीचे लिख दी है। तो ऐसे जो है वो अपने सेकंड नंबर पे जो स्टेप करना ये है। अब हम जो है वो सबसे पहले जो है वो हमने पहले 2 पॉइंट्स को लेना है अपने, अपने इन 2 पॉइंट्स को ले लिया है। अब हमने ऐसे करना है कि इन 2 पॉइंट्स को जो है ऊपर ले जाना है और इनको जो है वो हमने कंबाइन करना है। इनको जो है हम कंबाइन करेंगे, एक जो है वो हमने छोटा सर्कल जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना है, और अब हम जो है वो इनके नीचे जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी इसकी 1 है और इसकी 1 है, हमने इन दोनों को प्लस करके जो है वो इसके ऊपर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख देनी है। 2 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो है वो इनको कंबाइन कर दिया है और इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी जो बनती है 1 + 1 इसकी 2 जो है वो हमने ऐड कर दिया है। तो फर्स्ट थर्ड नंबर पे जो है वो आपने ये स्टेप करना है। उसके बाद जो है वो जैसा कि आप लोगों ने देखा है पीछे मैंने सबसे पहले जो है YU और Y को लिया था, तो मैंने जो है वो इसकी इसको कंबाइन किया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो R और S, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, तो हम जो है वो इनको कंबाइन करेंगे। अब मैं इन दोनों को ऊपर ले गया हूँ और इन सबसे पहले जो है वो मैंने अपना जो है वो छोटा सा सर्कल ऊपर क्रिएट किया है, और उसके बाद जो है वो मैं ये वीडियो के लास्ट में जो है आप सब स्टूडेंट्स को बता दूंगा कि कैसे जो है वो आप लोगों ने ये जो है वो शेप्स बनानी है। तो इसके बाद जो है वो मैंने R और S को लिया है, इसको मैंने कंबाइन कर दिया है। तो इसको कंबाइन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है 1 और 1 है, उसको मैंने ऐड करके जो है वो 2 ऊपर लिख दिया है। इसके बाद जो है वो आपने G और H जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है वो मैंने उनको लिया है, और इनको भी जो है वो मैंने कंबाइन करके उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऊपर जो है वो मैंने 2 लिख दी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक NL जो है वो बच गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है और इसका जो है वो पेयर नहीं बन रहा। अब मैं जो है वो नेक्स्ट स्टेप ये करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो मैंने SP जो हमारा स्पेस का करेक्टर जो था जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी, इसको मैंने जो है वो बाहर ले आया हूँ यहाँ पे साइड पे, और इसके अलावा जो है वो NL जो हमारा न्यूज लाइन का जो था उसको भी जो है वो मैं इधर साइड पे जो है वो मैं ले आया हूँ। तो इन दोनों को जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो मैंने इन दोनों को बाहर निकाल लिया है, और अब मैं जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। इनकी जो है वो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे जो फ्रिक्वेंसी बन रही है वो 1 और 3 है, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो इनकी जो है वो टोटल 4 फ्रिक्वेंसी जो है वो बन गई है। तो अब जो है वो मैं नेक्स्ट स्टेप करने जा रहा हूँ कि जैसा कि हमारा ये 1 वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मैंने 3 जो पेयर जो है वो इनको बना दिया है। इनको अब उनके चिल्ड्रन नोड से जो है ये 2 चिल्ड्रन नोड है उनका, ये पेरेंट नोड है, उनको जो है वो मैंने ऐसे कंबाइन कर दिया है। अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ये करने जा रहा हूँ कि अब जो है वो हमारा जिनकी फ्रीक्वेंसीज 2 थी जो जिन हमारे करेक्टर्स की, उनको जो है वो अब मैं उनको कंबाइन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आप सब स्टूडेंट्स जो है वो देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो मैंने स्टेप ये किया है। तो गाइस मैं जो है वो मुझसे आई थिंक जो है वो मिस्टेक हो गई है पिक्चर जो है वो शो करवाने में, तो आप लोग जो है वो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ आपने जो है वो वैसे वैसे स्टेप करने हैं। आपने ये नहीं करना है कि ये पहले बन गया तो हम ये बना लें। तो अब जो है वो मैं आप सब स्टूडेंट्स को जैसे कि बता रहा था कि सबसे पहले जो है वो हमारी L और T ये दोनों जो है वो करेक्टर्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है। अब इन दोनों को जो है मैं कंबाइन करने जा रहा हूँ, तो ऐसे जो है मैंने इनको ऊपर क्रिएट किया है और ऊपर इनका जो है वो मैंने पेरेंट नोड जो है वो छोटा सा क्रिएट करके इनको जो है वो मैंने कंबाइन कर दिया है, और
इनकी जो फ्रीक्वेंसी जो है मैंने 4 क्यों ऐड किया है, क्योंकि एल की जो है वो फ्रीक्वेंसी 2 है और टी की भी जो है वो 2 है, तो इन दोनों को मैंने 2+2 ऐड करके जो 4 फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद जो है वो मैं ऐसे करूँगा कि एल और टी हो गए हैं, इसके बाद जो है वो मैंने टी और आई जो हमारे नेक्स्ट दो जो है वो करेक्टर्स हैं उनको जो है वो मैंने कंबाइन करना है, तो ऐसे ही जो है वो मैं उनको ऊपर जो है वो बना लूँगा और इसके बाद जो है उनका पेरेंट नोड बना के उनको जो है वो मैं कंबाइन कर लूँगा। इस यहाँ पे भी आप जो आप सब्सोनेट्स देख सकते हैं कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 और 2 है, तो मैंने जो है वो यहाँ पे 2+2 जो है वो 4 करके इसका जो है वो ऊपर मैंने इसके क्रिएट कर दिया है। तो इसके बाद जो है वो ऐसे ही आपने लास्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हैं जिन करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज 2 हैं वो 2 बस गए हैं, तो ए और सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों को भी जो है वो कंबाइन कर दिया है, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया है और 2+2 करके इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने 4 ऐड कर दी है। तो अब जो है वो यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि एसपी का जो करेक्टर है वो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो पीछे बताया था कि मैं जो है वो इसको बाहर ले गया था, इसको और एनएल को जो है वो मैंने कंबाइन कर दिया था। अब जो है वो हमारे पास एन और ओ जिनकी फ्रीक्वेंसीज 3 हैं वो बस गए हैं, मैं यहाँ पे जो है वो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है वो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है, तो इनको जो है वो मैंने कंबाइन किया है एन और ओ को, इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 3-3 थी दोनों की, और मैंने 3 और 3+ करके जो है वो इसकी जो ऊपर जो है वो पेरेंट नोड में जो है उसकी वैल्यूज जो है वो मैंने 6 ऐड कर दी है। तो ये जो है वो मैंने बेसिक जो है वो हमारे स्टेप्स ये थे कि हमने जो है वो नीचे जो करेक्टर्स दिए गए थे उनको जो है वो हमने सबसे पहले जो है वो कंबाइन करना है। तो अब जो है वो नेक्स्ट मैं स्टेप ये करने जा रहा हूँ कि जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स ने जो है वो देख लिया है कि मैंने जो यहाँ पे जो था वो एनएल और एसपी को जो है वो मैंने कंबाइन किया था और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी जो 4 बनी थी, इसके बाद जो है वो मैंने यू और वाई जिसकी जिनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी जो 1-1 थी उनको मैंने जो है वो ऐड कर लिया है। तो मैं जो है वो यहाँ पे आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो डायरेक्ट जो मैंने कंप्लीट जो है वो यहाँ पे पिक्चर जो है वो मैंने अपनी बना ली है, तो मैं यहाँ पे जो है वो आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड इजिली जो है वो कर दूंगा, इससे जो है आपको बेहतर तौर पे जो है वो समझ आ जाएगा। तो बेसिकली जो सेकंड जो है वो हमारा लेवल जा रहा है यहाँ तक जो है मैंने आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड कर दिया है कि मैंने जो है वो एन एल और एस पी को जो है वो बाहर ले आया था और इन दोनों को जो है वो मैंने कंबाइन किया था, 1 और 3 को जब मैंने ऐड किया तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने ऊपर 4 ऐड कर दी थी, और यहाँ पे जो है वो आप यू और वाई को देख सकते हैं कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है 1 थी और मैंने इन दोनों को कंबाइन करके जो है वो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 ऐड की थी, और इसमें जो है वो ऐसा होगा कि अब इसको इसको 2 को और इस 4 को जो है वो मैं ऊपर जो है वो एक कंबाइन करने जा रहा हूँ। तो इसका जो है वो तरीका यही है कि आप एक ऊपर जो है वो पेरेंट नोड क्रिएट करें और इन दोनों को जो है वो मिला दें आपस में। अब ये जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है और इसकी 2 है और उसको मैंने जो प्लस करके जो है वो 6 यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यू और वाई के बाद जो है वो नेक्स्ट मैंने जो जिन करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज 1-1 थी उनमें सबसे पहले जो था वो हमारा आर और एस था, और मैंने यहाँ पे जो है वो आर और एस को जो है वो मैंने जो है आप लोग यहाँ पे आपको सामने शो हो रहा है कि इन दोनों को मैंने जो है वो कंबाइन किया था और इनकी जो फ्रीक्वेंसी 2 बनी थी, और ऐसे ही जो है वो मैंने आर एस के बाद जो है वो जी एच जो हमारे दो नेक्स्ट करेक्टर थे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 थी उनको भी जो है वो मैंने कंबाइन किया था। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है और इसकी भी 2 है और ऊपर जो है वो हम इसे कंबाइन करने जा रहे हैं, तो मैं जो है वो यहाँ पे 2 और 2 को प्लस करके जो है वो ऊपर एक पेरेंट नोड क्रिएट करूंगा और उसके बाद जो है वो मैं इन दोनों को मिला के इसकी जो फ्रीक्वेंसी है टोटल 2+2 = 4, तो यहाँ पे जो है वो मैं 4 ऐड कर दूंगा। इसके बाद जो है वो मैंने आप सब स्टूडेंट्स को बताता जाऊँ कि उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैंने किया था वो मैंने जिन की फ्रीक्वेंसीज 2 थी सबसे पहले जो है वो मैंने एल ओ टी इसका जो है वो मैंने यहाँ पे जो है उसे क्रिएट किया था, इसकी दोनों की फ्रीक्वेंसीज 2 थी, 2-2 4 हो गए थे, इसके बाद जो है वो मैंने डी और आई को किया था और उसके बाद जो है वो मैंने ए और सी को किया था, ये जो तीनों हैं वो आप सबके सामने जो है वो शो हो रहे हैं। तो ऐसे जो है वो आप सब स्टूडेंट्स ने अपने तीनों जो है वो ये क्रिएट कर लेने हैं 2-2 करेक्टर्स की जो उनकी फ्रीक्वेंसीज है। तो अब जो है वो फर्स्ट नंबर पे जो है वो मैं जो है वो इस पेयर को जिसका हमारे आई और एल और टी को
और टी और आई को जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो इनको जो है वो हम कंबाइन करेंगे और इनकी कंबाइन जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 जमा 4 जो है वो 8 हो जाएगी। तो ऐसे जो है वो हम ऊपर एक पेरेंट नोड बना के इन दोनों को ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप ये करने जा रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो अब 4 फ्रीक्वेंसी का एक जो है वो बच गया है। तो हमने करना ये है कि इसको जो है वो हमने इसके साथ जो है वो कंबाइन करना है जिसकी हमारी जो है वो 4 8 फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि ऊपर जो है वो एक नोड छोटा सा क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम एक लाइन इस पे जो है वो लेके आएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है ए और सी पे, और सेकंड लाइन जो है वो हमारा 8 जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 है उस पे जो है हम मिला देंगे। और इन दोनों की जो टोटल 12 मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा 8 है और यहाँ पे जो है वो 4 है, इन दोनों को मैंने जो है वो ऐड किया तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 हो गई है। या फिर जो है वो मैंने 3 और 3 जो थे हमारे जिन दो करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी 3 3 थी उनको जो है वो मैंने कंबाइन किया था एन और ओ को, यहाँ पे आप देख सकते हैं जरा। तो इसको जो है वो मैंने जब कंबाइन किया था तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 बनी थी। तो ऐसे ही जो है वो आप लोगों ने ये जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद जो है हमारा लास्ट पे एक नोड जो था वो हमारा ई था जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 थी, इसको जो है वो मैं यहाँ पे इस 6 के साथ जो है वो कंबाइन करने जा रहा हूँ। तो इसका बेसिकली जो है वो स्टेप यही होगा कि सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने एक ऊपर छोटा सा नोड क्रिएट करना है और उसे जो है वो एक जो है वो लाइन हम 4 की तरफ लेके जाएंगे और दूसरी लाइन जो है वो हम 6 की तरफ लेके आएंगे जिस नोड की जो है हमारे जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 6 है। अब हम जो है वो हमने इसकी 4 है और इसकी 6 है इन दोनों को ऐड करके जो है वो 10 कर देना है। तो ऐसे ही जो है वो आपने यहाँ तक जो है वो अपना कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे जो है वो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 शो हो रही है और इसकी जो है वो 4 है। तो यहाँ पे जो है वो हमने इन दोनों को जो है वो कंबाइन करना है। इनको कंबाइन करने का तरीका ये है कि हम ऊपर एक जो है वो छोटा सा नोड क्रिएट करेंगे और एक लाइन जो है वो हम 6 की तरफ ले आएंगे और दूसरी जो है हम 4 की तरफ ले आएंगे और इस पे जो हम वैल्यू ऐड करेंगे 6 + 4 = 10। तो ये जो है वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब जो है वो मैंने यहाँ पे आप सब फ्रेंड्स को बताता चला जाऊँ कि हमारा जो यहाँ पे सबसे टॉप पे जो है वो यहाँ पे जो नोड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है और यहाँ पे जो है वो 12 है। अब मैंने ऐसे करना है कि इन दोनों को जो है वो ऐड करना है। अब हम जो है वो 10 और 12 जो है वो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसका जो है वो आंसर 22 आ जाएगा। और हमने जो है वो ऊपर यहाँ पे छोटा सा नोड क्रिएट करके जो है वो आपने 22 इधर ऐड कर देना है और इसके बाद जो है वो हमारा 10 है यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो हमारा 22 है। तो अब हमने जो है वो इसका इन दोनों ये दो बच गए हैं हमारे पास सबसे लास्ट में। अब हमने जो है वो अपना जो है वो फाइनल पेरेंट नोड जो है वो क्रिएट करना है और यहाँ पे जो है हम छोटा सा क्रिएट करके एक लाइन जो है वो हम अपने 22 नोड जिसकी वैल्यू है उसकी तरफ ले जाएंगे और दूसरा जो नोड है जिसकी जो है फ्रीक्वेंसी 10 है उस पे जो है हम ले जाएंगे और हम जब हम इसको 22 और 10 को जब हम जमा करेंगे तो ये जो है वो हमारा टोटल जो है वो 32 आंसर जो है इसका आएगा। अब हम जो है वो इसका जो है वो कंफर्म करने के लिए कि ये नोड जो है वो करेक्ट है या नहीं, इसके आप यहाँ पे ऊपर वैल्यूज़ देख सकते हैं कि 22 है 32 है। और ये जो है वो मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताता चला जाऊँ कि ये 32 वही वैल्यू है जो हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल का जो ओरिजिनल टेक्स्ट था जिसका साइज था वो हमारा 32 था और इसी जो है वो हमने फ्रीक्वेंसीज और करेक्टर से जो है वो हमने अपना फाइनल नोड जो है वो क्रिएट किया था। और ऐसे जो है वो आप सब स्टूडेंट्स ने अपना जो है वो हफमैन इनकोडेड ट्री जो है वो क्रिएट करना है। तो अब मैं जो है वो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आप सब स्टूडेंट्स से कहा था कि मैं आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड कर दूंगा कि कैसे जो है वो आप लोगों ने अपना जो है वो बेसिकली जो ट्री है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं आप सब स्टूडेंट्स को पहले जो है वो आसान तरीका बताऊंगा कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट में जाना है और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है वो हमने इन दो को जो है वो ले लेना है यहाँ से। अब हमने इसको कंट्रोल सी प्रेस करना है और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारा फर्स्ट जो है वो नोड आ गया है। अब हमने जो है वो मैंने जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को बताया था कि सबसे पहले इनकी जो वैल्यूज़ है हम वो ऐड करेंगे। तो हमने जो है वो यहाँ पे इसके जो है वो फ्रीक्वेंसी 1 थी वो ऐड कर दी है और इसकी भी जो है 1 है तो मैंने यहाँ पे जो है 1 ऐड कर दी है। अब मैंने जो है वो इसको कंबाइन करना है तो हम जो है वो यहाँ पे ओवल शेप जो है वो शो हो रही है तो मैं यहाँ से जो है वो इसे छोटा सा दायरा लगाऊंगा।
अब जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो आपको सबके सामने जो है वो फर्स्ट जो हमारा ड्राइंग टूल है उसमें लाइन का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करूँगा और देन हमने जो है वो यहाँ से सर्कल से लेके जो है वो लाइन ड्रा करनी है यू की तरफ। अब हम जो है वो यहाँ से लेके बाई की तरफ एक आएंगे, ये जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर पे जो है वो कॉम्बिनेशन जो था वो हमारा, मैंने पहले दो जो है वो पिछले नोड को जो है वो कंबाइन किया था। अब हम यहाँ पे जो है वो मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी ऐड करनी है, तो यहाँ पे जो है वो हम इसके 2 लिख देंगे और आपने जो है उसको यहाँ पे इसके क्लोज करके जो है लिख देना है। नेक्स्ट जो है वो हमने टी ओ आर एस क्रिएट करना था, ऐसे ही जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्शन के पोर्शन में जाना है और यहाँ से जो है वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब जो है वो हमने इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास दो और आ गए हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि यहाँ से जो है वो ओवल सिलेक्ट करना है और छोटा सा जो है वो सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे ऐसे। तो इसके बाद जो है वो हमने लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमने एक लाइन जो है वो टी की तरफ ड्रा कर देनी है और दूसरी लाइन जो है वो हम यहाँ पे एस की तरफ ड्रा कर देंगे। और अगेन जो है वो हमने टेक्स्ट पोर्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है वो हमने लेफ्ट माउस का बटन जो प्रेस करना है और यहाँ पे जो है वो हमने 2 इधर ऐड कर देना है, तो ये जो है वो हमारा सेकंड नंबर पे बन गया है। ऐसे ही जो है वो फ्रेंड्स आपने अपने जो है वो ऐसे अपने अपनी जो जितनी भी आप अपनी जो ट्री हैं वो ऐसे आप सब स्टूडेंट्स ने बनानी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो गाइज मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताता चलूँगी इस वीडियो के लिए जो है मैं सुबह से मेहनत कर रहा था और अब जाके जो है वो मैंने इसका सलूशन जो है वो मैंने बनाया है। तो आप सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ जो बेल आइकॉन है उस पर लाजमी क्लिक कर देना ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिस ना हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।